तो यार हेलो भाई लोग, कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। अगर नहीं हो यार तो हो जाओ, क्योंकि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे हो या हम कैसे हैं। तो यार सबसे पहले भाई सॉरी, मैंने इतने दिन तक वीडियो नहीं डाली क्योंकि भाई मैं बीमार था और मैं 7 दिन तक रेगुलर हॉस्पिटल में रहा। मैं लेटा रहा दिन भर बेड पर। और भाई वहाँ से आने के बाद मम्मी पापा ने मुझे फ्रीडम ही नहीं दी, मुझे पूरा दिन घर पे बैठाए रहे, तेरी तबीयत बेकार है ऐसा वैसा। मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी बैठाए रहे। तो भाई ये मसला अलग है, अब अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो भाई हमने कुछ दिन पहले पिछले एपिसोड में एक अपना बनाया था घर, जिसे मैं आज दिखा देता हूँ सही से पूरा अच्छी तरह से। तो भाई देखो, नीचे से हम आए, ऊपर यहाँ पे कुंभ पांडा है जो कुंभ नहीं करते लेकिन हैं फिर भी, और साइड में मुर्गियां हैं जिसके साथ में एक तोता को मैंने घुसा रखा है जबरदस्ती। वो जा नहीं रहा था लेकिन मैंने घुसा रखा है। और भाई यहाँ पे स्टोरेज एरिया है, फिर उसके साइड में आके हमारा प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा नहीं मेरी साइज का बेड है क्योंकि मैं भी छोटा ही हूँ। और थोड़ा सा आगे आके एंचेंटमेंट टेबल है, और पीछे एक चीज़ छोड़ दी वो है ब्रिंग स्टैंड जिसमें जंग लग चुकी है। वो क्यों? क्योंकि मैं कभी यूज़ करता नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यूज़ करना आता नहीं, सिंपल सी बात है। और भाई थोड़ा आगे आए तो एक प्यारा सा गेट है जो पता नहीं कैसा है, और उसके नीचे एक कुत्ता है जो हमने बैठा रखा है जिसे हम कुत्ता नाम दिया है। नहीं दिया नहीं, वो तो पहले से है उसका। और भाई थोड़ा इस साइड आके हमारा एक प्यारा सा एक्सपी फॉर्म है जिसमें थोड़ी थोड़ी एक्सपी बढ़ती है, और इसमें जॉम्बी जो है इस तरह से आते हैं, इस तरह से आते हैं, देखो इस तरह से आते हैं। बताया मैंने किस तरह से आते हैं। और भाई इसमें अगर 5 मिनट एफ के कर लूँ ना तो भाई 500-600 जॉम्बीज आराम से आ जाते हैं। तो भाई मैं 5 मिनट एफ के नहीं कर रहा, बस 2 मिनट एफ के कर रहा। और ये है हमारी 51 दिन की मेहनत जो अभी भी हम मेहनत करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। और हम माइनक्राफ्ट को कृषि प्रधान गेम बनाएंगे। भाई बहुत ज़्यादा कृषि करनी पड़ती है, खेती करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ पर गन्ना न लगे थे, हमने उनको काटा आटा, और फिर से हम माइनिंग करने पे आ गए, और माइनिंग पे लगे रहे 2000 years later। और आखिरकार हम 20 साल बाद भी माइनिंग ही कर रहे थे, नहीं 20 नहीं 200 नहीं 2000। भाई कुछ खतरनाक मीम नहीं डाल दी एडिटर? वो तो मैं ही हूँ। अब चलो छोड़ो, एडिटर को कुछ नहीं बोलने का। भाई हमारे पास एक चेस्ट आई जिसमें हमें 2 साल का एक और चेस्ट मिली जिससे हम 1 साल का बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, अभी बना लेंगे थोड़ी देर से। और भाई पता नहीं माइनक्राफ्ट वालों को हम पे कौन सी दया आ रही थी, हमें बहुत ज़्यादा डायमंड मिल गए थे जिससे हमारी उम्मीदें आसमान में उड़ गई थी। पता नहीं क्या है, फैंटम था शायद और मर भी गया। और हमें एक और चेस्ट मिली जिसमें बहुत सारा खजाना था, बॉटल ऑफ एंचेंटमेंट, एक बुक थी मेंडिंग की, दूसरी भी बुक थी मेंडिंग की, और तीसरी भी बुक थी मेंडिंग की, मतलब तीनों बुकें मेंडिंग थी। और एक ये लंबा इंसान मिला जिसे हमने 3 हिट मारे और वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया था। और हमें देखा साइड से आ रहा है और हमें साइड से मार भी दिया। चलो रिस्पॉन होते हैं, होना ही पड़ेगा। और हमें एक और देखा जो अपनी लंबी गर्दन करके हमें फिर से मार रहा था, और हम फिर से मर गए। और हमेशा की तरह हम फिर से स्पॉन हुए, और फिर से हमने अपना सामान उठाया, मतलब हमें कोई भी दुख नहीं पहुंचा था हमारे से, लेकिन बदला हमें लेना था तो हमने उसकी आंखों में धोखा दिया क्योंकि देखा ही नहीं और बदला ले लिया। और हमें फाइनली एक और चेस्ट मिली जिसमें हमें ब्रेड, एक पैजामा जो भी है सब बकचोदी मिली। और हमें एक और चेस्ट मिली जिसमें भी ये सब मिला, फिर एक और चेस्ट मिली जिसमें पता नहीं क्या मिला। फिर हमारे पास एक मेंडिंग थी, नहीं मेंडिंग तो 3 थी, तो हमने एक लगा दी इसमें, और एक एफिशिएंसी 3 थी तो वो भी हमने लगा दी इसमें। अब भाई हमें यूज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और फाइनली हमें एक और चेस्ट मिली जिसमें जो भी आइटम था हमारे यूज़ का बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हमें पता ही नहीं था यूज़ कैसे करना है। चलो छोड़ो, हमने 1 साल का बॉक्स बनाया, मैंने कहा भाई इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है 1 साल का बॉक्स की, और इससे कैसे गुस्सा आ गया, पगला गए क्या भाई? चलो छोड़ो इसको, इससे अपन को क्या है, अपन कुत्ता जलने लगा भाई कुत्ता। अबे ये क्या चीज़ है भाई, ये कैसे स्पॉन हो गई यहाँ पे? अच्छा हाँ, फेस चेंज हुआ था भाई, फेस चेंज हुआ तो डायरेक्ट थोड़ी देर स्पॉन होते हैं। मैं भी जला और मेरा कुत्ता भी जला, और मैं तो पूरा ही जल गया भाई। ये क्या बकचोदी है भाई, मैं यहाँ आके अपना आर्मर पहन लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे तो बकचोदी चल रही है भाई। मैं मरने के बाद वहाँ पे स्पॉन हुआ वो तेरी बहन का, भाई इसे मारो। नहीं मैं ही मारूंगा, तुम थोड़ी देर मारोगे भाई, ये आग उगल रही है आग, पहले यहाँ से भागते हैं, भागो। अरे भाई, ओ भाई, भाई मेरा घर जल गया। अबे
भाई कैसे बचाया मैंने पता है तुमको भाई, मैं पूरा घर लड़की का लकड़ी का बना है, पूरा का पूरा जल जाता है यार, अभी ज़्यादा नहीं जला है, मैंने जल्दी जल्दी से ऊपर अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना हुआ है, तुम लोगों को मैंने दिखाया था शायद, पूल बना हुआ है, नहीं दिखाया तो देख लेना। उसी पूल से हमने जल्दी से जल्दी जल्दी वाटर लेके और हमने पूरे में बहा डाला, अंधा वाटर बहाया भाई हमने, और हमें एक और क्या चीज़ मिला है भाई जो भी हो हमें नहीं पता भाई, क्या ही मॉब्स स्पॉन हो गए भाई, फटी पड़ी है यहाँ पे, इतने ज़्यादा थोड़ी ना मॉब्स स्पॉन होते भाई, लो हम पिकैक्से मॉब्स को मार रहे हैं भाई, क्या वक्त चूती है, मैं चूतिया हूँ का नहीं, हम चूतिए हैं क्या, नहीं हम नहीं हैं चूतिए, हम तलवार से ही इन्हें मारेंगे, वो मर भी गया, देखा भाई एक हिट में किल तलवार की, और भाई फिर से बहुत सारी वक्त चूती स्पॉन हो गई, और हमें यहाँ से अब लगता है भागना पड़ेगा, तो हम भागते हैं और भाग के बहुत दूर गए, बहुत दूर जाके दो बार मरे, इसीलिए हमारी एक्सपी एक है, वो तुमको बताया नहीं क्योंकि बेइज्जती ज़्यादा हो रही है, हर बार आके मर रहे हैं, और इनने इतनी ज़्यादा बैग स्पॉन की थी कि हम उनसे फाइट ही नहीं कर पाए, और भाई मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पॉन हो गई हैं भाई, इनकी हाइट तो देखो एक बार, अगर काट देना तो भाई स्पाइडरमैन बन जाए हम तो, लेकिन नहीं काट रही, अच्छी बात तो यही है। ओ भाई इलाइट्रा मिल गया, अबे इलाइट्रा मिल गया, पोशन ऑफ हीलिंग थी, मेंडिंग मेंडिंग पहले मिल गई थी, और हमने इलाइट्रा में तुरंत जाके मेंडिंग लगाई भाई, कुछ भी होने का बट इलाइट्रा नहीं टूटने का, बहुत मुश्किल से मिला है, और मुश्किलों की इस घड़ी में हमें एक और सल्कर बॉक्स मिल गया, मतलब हमने सल्कर बॉक्स फालतू में बनाया था, हमने सल्कर बॉक्स बनाने में इतनी खुशी महसूस की थी जो फालतू थी, और एक और सल्कर बॉक्स, मतलब हमने इलाइट्रा कितनी ज़्यादा अहमियत दी वो भी फालतू थी भाई, हमें एक और इलाइट्रा मिल गया, क्या वक्त चुदी है, दो दो इलाइट्रा भाई, अब हम इसको कुछ नहीं करने वाले, हमने जाके उसे पैक कर दिया, अबे भाई ये कब आ गया भाई, एंड पोर्टल जिसका कोई एंड नहीं है, चलो छोड़ो, हमें पंच मिली, फ्लेम मिली, एक चेस्ट मिली जिसमें भाई खजाना था यार, खजाना तुम देखो एक बार, पता नहीं क्या क्या था, बहुत सारा सामान था, और भाई हमें एक और बुक चेस्ट, भाई क्या वक्त चुदी है, जो हमें अच्छी लगती है वो चीज़ फिर से मिल जाती है, हमारी उसके लिए अहमियत ही कम जाती है, ये क्या बड़ा वाला फुग्गा स्पॉन हो गया, तो हमने उस फुग्गे को मारा, और जितने भी आइटम्स थे अच्छे अच्छे वाले हमने उनको अलग अलग कर दिए, एक में पोशंस रख दिए, एक में मैन आइटम रख दिए, एक में बुक्स रख दी, तो ऐसे ऐसे करके हमने सब कुछ अलग अलग रख दिया, जिससे हमें ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो, और हमारी तलवार के डैमेज में रेगुलर आई कमी के कारण मॉब्स हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, तो हमने शार्पनेस 5 लगा दी, और भाई हमें फिर से वही वक्त चूदी, फिर से एक और इलाइट्रा मिल गया, मतलब भाई इलाइट्रा है क्या, एक सस्ती चीज़ ऐसी ही लग रहा है अब तो मुझे, और भाई हमें फिर से एक चीज़ मिली जिसमें हमें फिशिंग रॉड ये सब वक्त चूदी मिली, तो हम फिर से माइनिंग करते गए करते गए करते गए, मॉब्स स्पॉन होते गए होते गए होते गए, और हमारी तलवारों से मारती गई मारती गई मारती गई, और वो मरते गए मरते गए मरते गए, और हम खेलते गए खेलते गए खेलते गए, और हमें कुछ विलेज वर्ड मिली उनको मारने से, और हमने विलेज वर्ड से विलेज पाउडर बनाया, नहीं विलेज पाउडर हम पहले से था, तो हमने विलेज पाउडर और एंड आई को मिक्स करके एंड पल्स बनाए, एंड पल्स बना के हमने एंड पोर्टल स्टार्ट कर दिया, और एंड पोर्टल स्टार्ट करके हम बाहर आ गए, क्योंकि हम एंड पोर्टल में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, तो भाई हम तैयारी करने लग गए, हमने कुछ गोल्डन एप्पल बनाए, एप्पल एप्पल यानी सेवफल, हाँ तो कुछ हमने गोल्डन एप्पल बनाए, और पिछले पार्ट में हमने अपने बो को एन्चेंटेड कर दिया था, और भाई हमने कुछ एन्चेंटमेंट जो बची हुई थी वो इस पार्ट में लगा दी, और एक्सपी की घना कमी के कारण हमने बोटल ऑफ एन्चेंटिंग अपनी यूज़ कर ली, और यूज़ करने के बाद हमने पूरी एक्सपी यूज़ कर ली, और भाई हमारी बंडर वूमेन घोड़े को फांसी दे रही है, क्या गांडू है पता नहीं क्यों बट दे रही है, और हमने बो को इसी पे टेस्ट करने की सोची, और वो तो एक ही शॉट मर गया, तो टेस्ट तो हुआ ही नहीं, हाँ लेकिन थोड़ा सा टेस्ट हो गया, और हमने अपनी तलवार को नेदरराइट का बना लिया, और अपनी चेस्ट प्लेट में कुछ और एन्चेंटिंग लगाई, लेकिन हमारी फिर से एक्सपी की कमी पड़ गई, तो हमने फिर से एक्सपी बढ़ा ली, अब हमारे पास एक और नेदरराइट इंगट था, तो हमने अपनी चेस्ट को नेदरराइट का बना लिया, अब यार फाइनली हम रेडी हो चुके थे ड्रैगन से मरने के लिए, तो हमने कहा चलो जाके मरते हैं, और हम मरने के लिए आ गए, मरने के लिए भी आ गए, मरने के लिए भी आ गए, कुछ भी हो, और हम आके ये तोड़ने लगे, क्या बोलते हैं इनको, क्रिस्टल्स जो भी हो, और भाई हमारा निशाना बहुत घटिया है, नहीं हमारा निशान बहुत घटिया नहीं है, थोड़ा सा घटिया है,
और यहाँ हमें अपना सर झुका झुका कर जीना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं देख सकते ऊपर, और हम थोड़ा ऊपर नहीं ज़्यादा ऊपर भी देखेंगे। किसने बोला कि मेरा निशाना घटिया है? अबे भाई तुझे क्या हो गया, पगला गया है क्या भाई? इसे क्या हो गया, कुछ समझ ना आ रहा। ड्रैगन अलग से पहले पढ़ा हो, ये अलग से पहले पढ़ा है, भाई कुछ समझ ही ना आ रहा। बस कर यार, भाई जहर डाल दिया ड्रैगन ने। भाई एक काम करते हैं, कम से कम इन एंड मैन से बचने के लिए तो कुछ बना लेते हैं। साले तुम्हारी हाइट ही तुमको धोखा देगी आज, नहीं तुम बढ़ा लो अपनी हाइट, बढ़ा लो भाई इसे। ओ भाई मैंने ड्रैगन को हिट किया, ओ भाई मैंने फिर से हिट किया, भाई मेरा निशाना बहुत तगड़ा है भाई, भाई एकमात्र मैं ही तो अर्जुन हूँ, बाकी सब तो विभीषण है जो धोखा देते हैं। चलो छोड़ो भाई, मेरा निशाना सच्ची में तगड़ा है। नहीं, मेरा निशाना बहुत तगड़ा है, ये दिख नहीं रहा है इसकी वजह से, लग नहीं रहा, बाकी मेरा निशाना बहुत तगड़ा है। और भाई हम फिर से एंडरमैन के जाल में फंस गए, और हमारी अब फटी पड़ी थी क्योंकि बहुत कम हेल्थ थी। मर गया भाई, फाइनली मर गया। लेकिन भाई मुझे समझ ना आता, मैं इनकी आंखों में भी ना देखूं, कान में भी ना देखूं, कहीं ना देखूं, लेकिन इनको पता नहीं क्या समस्या होती है हमसे। भाई जलते हैं ये लोग, जलते हैं, सही बताऊँ तो भाई एक दिल भाई बचा लियो बस, गोल्डन एप्पल खाया लेकिन बचा लियो बस। हम तो भाई छुप के बैठ के अब क्या ही कर सकते हैं। और भाई हमें फिर से एक क्रिस्टल दिखा जिसे हम फोड़ रहे थे, लेकिन फूट नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं फूट रहा था। फूट गया भाई, शायद से फूट गया। और भाई हम यहाँ से चढ़ के ऊपर आए, ऊपर आके हमने एक और क्रिस्टल फोड़ा, और क्रिस्टल फोड़ने के बाद हम नीचे उतर गए थे, तभी हमें ड्रैगन ने फूंक दिया, और आकाश साली ने दो लातें भी मार दी, और हमें मार भी दिया। हमारी मेहनत सफल हुई, हम मरने के लिए आए थे, हम मर गए, फाइनली हम मर गए। और फिर हम वापस आए, वापस आके हमने अपना सामान उठाया, और सामान उठा के हम एक खंभे पे चढ़े, और खंभे पे चढ़ के हम क्रिस्टल फोड़ने लगे, लेकिन वो फूट ही नहीं रहा था। फाइनली वो फूट गया, और फाइनली हम नीचे आ गए, और फाइनली हम मर गए। मरना ही था, क्या कर सकते हैं। पता नहीं इनको गुस्सा कौन सी बात का आता है कि हम ऊपर से गिरे तो गिरे क्यों। एंडरमैन तुम्हारी पिछवाड़े से डालेंगे हम, आगे से निकालेंगे, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, पूछो मत। फाइनली एक और क्रिस्टल बचा था, तो हमने फाइनली उसे भी फोड़ दिया। हम फाइनली के चक्कर में फाइन हो जाते हैं, हमें लंबे काले घोड़ों से नहीं, घोड़ों से नहीं, जो भी है, इनसे बचने के लिए दो ब्लॉक की हमने हाइट की एक दीवार बना ली, जिससे हम नीचे छुप के बच सकें, और हम डर के नहीं अपने साहस से बना लेंगे। और जब तक ड्रैगन नीचे आया, हम ड्रैगन से लिपट गए धीरे 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 धीरे, स्लो मोशन में कम हो गई थी, और फिर से हम ड्रैगन को मारने लगे, और हम एक हिट एरो से करते, और आठ हिट तलवार से करते, और तलवार से आठ हिट करने के बाद वो फिर से उड़ गया, और हमने फिर से अपने तीर कमान से मारना स्टार्ट किया, और तीर कमान तो घले नहीं रहे थे। ओ भाई अभी एक क्रिस्टल बाकी था, इसकी बहन करनु काटूं, क्या बोला मैंने, नहीं किसी ने कुछ भी नहीं सुना। इसकी हेल्थ बहुत कम बची हुई थी, और हमारे ऊपर उसने पोषण डाल दिया, पोषण साले ने क्या डाला है ऊपर, जहर उगल दिया, गू खा के आया था साले, इतना जहर उगलता है। चलो छोड़ो गाइस, हमारी हेल्थ बहुत कम गई थी, और एक हमको एंडरमैन परेशान कर रहा था, जिससे बचने के लिए हम फिर से ड्रैगन के पास आए, और ड्रैगन के पास आके हमने 5-6 हिट रेगुलर मारी, और फाइनली ड्रैगन की फट गई, और उस फटी हुई जगह से रोशनी निकल गई थी, जिससे हम डर कर भाग गए, क्योंकि हमें लग रहा था ऐसा नहीं कुछ और निकल दे उगल दे, क्योंकि ड्रैगन पे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं। और हम यहाँ पे आए, और आके भाई हमारी एक्सपी जिस कदर पे बढ़ रही थी ना, पूछो मत किस कदर पे बढ़ रही थी। और इसी के साथ माइनक्राफ्ट बेटा ख़त्म, और हम अपने वर्ल्ड में आ गए, मतलब अपनी दुनिया में आ गए, और हम अपनी दुनिया से टॉर्च लाए, क्योंकि इसे मारने के बाद ये चारों तरफ घूम रहा था, तो हमने जाके यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे जाके पता चला उसे इज्जत से तोड़ना है। तो यार आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, और भाई थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। और एक काम और, इतनी बकचोदी मैंने की है, तो थोड़ी सी बकचोदी तुम लोग भी कर देना, सब्सक्राइब के बटन से कर देना, ये ऑर्डर है मेरा, ऐसा मत सोचना, कर ही देना बस।